सोना देवी सेठ कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की ओर से प्रायोजित इस ऑनलाइन क्लास में मैं सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि क्लासेस कब स्टार्ट होगी, तो आज से क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। और शुरू का जो सबसे फर्स्ट लेक्चर अभी अपन ने जो प्लान किया है उसमें हम सब्जेक्ट का मैप देखेंगे कि भाई क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं और किस तरह से फिज़िक्स फाइनल ईयर में आपके लिए आएगी, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, उस पर एक शॉर्ट सा ब्रीफिंग इस पूरे लेक्चर में आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें एग्ज़ाम स्कीम की, तो एग्ज़ाम स्कीम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एग्ज़ाम में अपने को ये पता है कि अपने पास तीन पेपर्स होंगे अपने पास। फर्स्ट पेपर अपने पास होगा क्वांटम मैकेनिक्स, एंड इसके साथ ही एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये अपना फर्स्ट पेपर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स, आणविक और परमाणविक भौतिकी, ठीक है। सेकंड पेपर जो है अपना वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, थर्ड पेपर अपना जो है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, ज़्यादा अपने को एग्ज़ाम स्कीम के बारे में जैसे मैंने कहा बात नहीं करेंगे अपन। 45 मार्क्स का पेपर होगा, तीन सेक्शन होंगे, 15-15 नंबर के एंड ऑल, ये सब आप जानते हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। अच्छा, अब अपन कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, अपन इसमें सेकंड पेपर पहले स्टार्ट करेंगे। सेकंड पेपर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं उनकी भी डिमांड है कि हमें ये पेपर में थोड़ा सा रिविज़न अगर मिल जाए तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अपना क्या रहेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें तीन यूनिट्स कवर होगी। ठीक है, इस बार आपको तीन बुक्स से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम चार बुक्स चाहिएगी क्योंकि जैसा अपन ने देखा क्वांटम मैकेनिक्स के साथ भी आपके पास दो अलग से और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जुड़ी हुई है और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ में भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जुड़ी हुई है, तो आपको किसी एक पार्ट को अलग से भी खरीदना पड़ेगा। तो चार बुक्स आपको खरीदनी पड़ेगी, चार बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी, एक्चुअल में चार बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सॉरी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसमें तीन यूनिट अपने पास है, अपन इसका शॉर्ट ब्रीफिंग कर देते हैं पूरी बुक का जिससे आपको आइडिया रहे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके बाद क्या आएगा या फिर आपको एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना अपन क्लास में भी अगर होते, आज ये फिजिकल क्लास होती अगर आप सब लोग होते तो भी अपन यही अपना फर्स्ट टॉपिक रहता। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक इसमें है वो फर्स्ट जो यूनिट अपना है इसमें रहेगा अपना रदरफोर्ड स्केटरिंग। रदरफोर्ड स्केटरिंग थ्योरी जो अपन ने जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो ना, फेमस रदरफोर्ड थ्योरी जिसमें एक गोल्ड फॉइल होती है उस पर अपन अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं एंड समथिंग, उससे रदरफोर्ड ने एक थ्योरी निकाल के दी, तो उस थ्योरी का अपन विस्तार से इसमें बात करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन इससे आता है, रदरफोर्ड स्केटरिंग थ्योरी। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है तो स्केटरिंग से क्यों स्टार्ट किया अपन ने, ये भी अपने को समझने की जरूरत है। स्केटरिंग से हमें न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली बार जानकारी उसी टाइम मिली थी, है ना। नाभिक, जो परमाणु का नाभिक है उसके बारे में सबसे पहली जो थ्योरी है वो कौन है, रदरफोर्ड ने ही दी थी वो थ्योरी कि नाभिक कैसा होता है, राइट। तो जैसे ही हमें नाभिक के बारे में पता चल गया तो इसके बाद सिस्टमेटिक हमारा काम आगे स्टार्ट होगा, वो होगा न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज की भाई क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, न्यूक्लियस का स्पिन क्या होता है ना, मास क्या होता है, इस तरह से हम बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में है।
ठीक है। और इस चैप्टर के इस यूनिट के एंड में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सेमी इम्पीरिकल मास फॉर्मूला, है ना, सामी आनुभाविक, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, बाकी तो सब आप समझ गए होंगे। तो सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी होती है ये पता करने के लिए हमें ये सूत्र पढ़ना है। और इसके नाम से देखो सेमी इम्पीरिकल, यानी कि आधा आनुभाविक है ये, सिर्फ अनुभव के आधार पे, राइट। बहुत अच्छा टॉपिक है, अपने को बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा इसको करने में, तो अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये फर्स्ट यूनिट इस तरह से कंप्लीट होती है अपनी। सेकेंड यूनिट जैसे स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मतलब यूज़फुल भी है, आपने पढ़ा होगा बहुत ही जगह पे पहले भी, वो है न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट क्या होगा अपना, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन यानी कि विखंडन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, आप बहुत ही एक फेमस सा एक्सपेरिमेंट था कि भाई अगर अपन यूरेनियम के नाभिक पे मंद न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो वो दो भागों में लगभग बराबर भागों में बन जाता है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है, राइट। तो वो वाला जो केस है उसको हम थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ेंगे अब, आपको अच्छा लगेगा कि कितनी छोटा सा सिंपल सा एक केस है और हम कितना उसको जो है इन डेप्थ उसकी नॉलेज हमारे पास अब आएगी, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी देख के कि भाई इतनी सिंपल सी चीज़ के अंदर भी कितनी लंबी चौड़ी थ्योरी है एक, है ना, थ्योरी वो पढ़ेंगे अपन। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन के बाद में एक स्वतः विखंडन जो है वर्ड अपन देखेंगे इसमें, ठीक है ना, कि स्वतः विखंडन किस कंडीशन में होता है उसकी मैथमेटिकली अपन अप्रोच देखेंगे। अपन ये देखेंगे कि क्यों यूरेनियम में ही वो क्यों होता है, है ना, वो और किसी परमाणु में या और किसी नाभिक के साथ में वो क्यों नहीं होता है, हम यूरेनियम के साथ में प्लूटोनियम के साथ ये क्यों कर सकते हैं, है ना, नॉर्मल किसी के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी कि कहाँ हम वो एनर्जी को गेन कर सकते हैं और क्यों वो एनर्जी हमें मिल रही है, है ना, क्यों वो एनर्जी मिल रही है, ये एक इसके पीछे क्वेश्चन अपने को ढूंढना है, इसका आंसर इसमें ढूंढना है कि विखंडन होता क्यों है और होता है तो वो क्या स्वतः हो सकता है, स्वतः कब नहीं हो सकता और कब वो पॉसिबल है, इस तरह की अपन कुछ बातें इसमें करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक जो है फॉर्मुलेशन अपन करेंगे और बहुत ही इसमें जो है आपको इन डेप्थ का नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट इसमें अपन टॉपिक बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, है ना, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या यूजेज है। तो ये एक थियोरेटिकल पार्ट है और ये नाभिकीय भट्टी भी आपने पढ़ रखी होगी, है ना, बाबा एटॉमिक, बाबा जी जो थे अपने, है ना, जहांगीर, होमी जहांगीर बाबा जी, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इसको डिस्ट्रक्शन में नहीं कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ ले सकते हैं, हम इसको विनाश के लिए नहीं बल्कि कुछ चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है अपने पास। अच्छा, थर्ड यूनिट जो है वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स की बहुत अच्छी यूनिट अपन कह सकते हैं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न से, है ना, जिसे अपन कहते हैं संलयन, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, आगे जगह थोड़ी कम है। तो नाभिकीय संलयन, तो एक बड़ा नाभिक टूट के दो में विखंडित होता है तब भी एनर्जी मिलती है और जब दो छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनता है तो भी एनर्जी फ्री होती है। तो अपने ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि सूर्य से जो एनर्जी आ रही है वो नाभिकीय संलयन की वजह से आ रही है और इसकी तुलना में ये ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है, कुछ एडवांटेजेस है इसके, इससे एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है और भी बहुत सारे एडवांटेजेस, उनके बारे में बात करेंगे और ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखो इस यूनिट में आगे जाके अपने पास में तीन वर्ड और आते हैं, तीन वर्ड आते हैं, पहला है डिटेक्टर, ठीक है, दूसरा है काउंटर और तीसरा है एक्सेलरेटर, ठीक है। ये क्या वर्ड्स हैं, जैसे ही हमने नाभिक के बारे में पढ़ लिया तो उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हमने पढ़ लिए कि भाई नाभिक है और वहां पे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल है, एक बार के लिए आप इसको सेपरेट भी पढ़ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, कि आप इससे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे डिटेक्ट करना चाहते हैं पार्टिकल्स को, तो जो युक्ति पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है उसे अपन डिटेक्टर कहते हैं। कि भी यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में कोई स्पेसिफिक टाइप का मान लो अल्फा पार्टिकल है अगर, तो क्या हम उसको पता कर सकते हैं? अगर अपन एक फेमस एक्सपेरिमेंट है डेविसन जर्मर प्रयोग, आप सब लोगों ने ट्वेल्थ में डेविसन जर्मर प्रयोग देखा होगा, जिसमें हम एक आयनन प्रकोष्ठ लगाते हैं, एक आयनाइजेशन जो है वहाँ पे चैम्बर होता है, एंड देन हम इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पे आपतित करते हैं और वो ट्रांसफ़र होके उस आयनन कोस्ट में जाता है और वहाँ पे हमें जो है इस तरह के ग्राफ भी, आप ये ग्राफ देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा इस तरह का, कि इस पे हमें जो है पीक मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल बट स्टिल वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। याद आ गया होगा आपको डेविसन जर्मर प्रयोग में इस तरह का 50 डिग्री ऐसा समथिंग, तो इस जगह पे आपको एक पीक मिलता है तो वो विवर्तन को शो करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है बेसिकली। तो ये जो चीज़ है डिटेक्टर, वो वही बात है जो आयनन कोस्ट है उसने पता लगाया ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो चार्ज्ड अनचार्ज्ड या फिर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है उसे अपन डिटेक्टर कहते हैं। तो डिटेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर काउंटर कि कितने आए, कितने पार्टिकल्स हैं उनको काउंट करना भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो काउंटर भी उसका। एक एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर तो आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की जो अपनी थर्ड बुक थी उसमें हमने एक लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ा था, रेखिक त्वरक बोल के अपन ने पढ़ा था, है ना, इस तरह से नलियाँ थी उसमें अलग अलग लेंथ की, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, राइट, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। तो वो जो एक्सेलरेटर है वो यहाँ पे भी वापस आएगा और फिर उसके आगे और भी अपन एक्सेलरेटर पढ़ेंगे। एक टाइप का एक्सेलरेटर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन नाम जिसका है, है ना, तो साइक्लोट्रॉन जो है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साइक्लोट्रॉन अगर आपको याद है ट्वेल्थ का या फिर फर्स्ट ईयर का कभी कभी आपको याद है अगर, तो उसमें कुछ कमियाँ थी, है ना, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं त्वरित किया जा सकता या फिर एक लेवल के बाद में उसको त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे फिर जो मास का रिलेटिविटी है वो काम लग जाता है, तो मास बहुत ज़्यादा हो जाता है एक लेवल से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाने के बाद में उसका, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाता है तो, है ना, सॉरी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है तो उसका मास रिलेटिव हो जाता है, फिर उसका मास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो समस्या है इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, है ना, तो यहाँ सिंको साइक्लोट्रॉन नाम से आएगा, बीटाट्रॉन नाम से आएगा, तो वो चीज़ें जो है हम देखेंगे कि भाई किस तरह से अपन पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो ये अपना न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट जो है, ये तीन यूनिट का पार्ट है अपन ने, तीन यूनिट जो न्यूक्लियर फिजिक्स की है वो अपन ने अभी ब्रीफिंग की है उसकी, और ये सारा एक मैप है हमारा इस पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का। फिर अपने पास जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन जब अपन तीन यूनिट कर लेंगे तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इसलिए आपको है क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग मतलब पढ़ाई तो आपने छोड़ ही दी होगी, प्रमोट आप सब लोग हो गए ना, और आप लोगों ने बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया होगा कि अब क्या करना है, तो आप लोग एकदम दूर हो अभी, तो एक आइडिया आपको रहे कि हम निकट भविष्य में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट, इसलिए ये आपका जो है ब्रीफिंग सबसे पहला हमने करने के लिए सोचा। सभी सब्जेक्ट में, साइंस में सभी सब्जेक्ट में आपको ये ब्रीफिंग मिलेगा सबसे पहले, फिर ही अपने वीडियोज़ आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब से कोशिश यही है कि रेगुलरली आपको वीडियो अपडेट होते रहें। और अंत में एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आप स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही, जो है ना, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा जब साइमल्टेनियसली दो क्लासेस फाइनल ईयर में है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे इस बात से, सेकेंड ईयर वाले भी समझ जाएंगे, डीजनरेटेड एनर्जी स्टेट हो गया है ना, कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है लेकिन फिर भी दोनों की क्वांटम स्टेट अलग अलग है, राइट, तो आप दोनों का, दोनों क्लासेज का एनर्जी लेवल अभी सेम है, दोनों एक ही जगह पे हो बट फिर भी आप अलग अलग जगह को एग्जिस्ट कर रहे हो, तो डीजनरेटेड हो आप अभी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोनों ही क्लासेज जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियोस को देखें ज़रूर आप, है ना, ऐसा नहीं कि आप दो देख लिए, तीन देख लिए फिर या फिर चला के छोड़ दिया, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, राइट, हम लोग अगर आप के लिए कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि आप लोग उससे कुछ सीख सकें, तो वहाँ बैठ के भी आप खाली नहीं बैठे रहें, इसलिए ये काम चालू किया गया है। और टाइम पे देखें इस चीज़ को,
ऐसा नहीं कि आप किसी भी वक्त लेके बैठो उसको, आपका एक फिक्स टाइमिंग करके बैठें कि भाई इसी टाइम पे हमें वीडियो देखना है, इसी टाइम पे हमें पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपका एक जो मोबाइल का यूजेज है वो भी कम होगा उस चीज़ से, है ना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और जो मैं अब कह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा। आप सब लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करें, देखें वीडियोस को, समझने की कोशिश करें, अपनी क्यूरीज पूछिए, है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है वहाँ अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और हम उसका समाधान भी आपके लिए करेंगे। कुछ पीडीएफ का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अवेलेबल करवा दें। तो वो सब आगे की बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रखिए, ध्यान रखिए अपने आप का। धन्यवाद।